नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, हर रोज कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सन्यासी धाम को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, माता के आगमन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। देवी के भक्त चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर संशय में है। जाने इस साल अप्रैल में नवरात्रि में घटस्थापना की सही तारीख मुहूर्त, आइए जानते हैं। इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल माता घोड़े पर सवार होकर भक्तों के बीच आएंगी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन घर मंदिर शक्ति की देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष भी शुरू होता है, इसलिए ये वास्तविक नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में घटस्थापना का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, अन्यथा इसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। इस बार चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना कब होगी, शुभ मुहूर्त और सही तारीख। चैत्र नवरात्रि 8 या 9 अप्रैल कब से शुरू? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से आरम्भ होकर 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर 9 दिन के व्रत शुरू होते हैं। अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस दिन नव संवत्सर 2081 महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में उगादि का पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि में घट स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दिन का पहला एक तिहाई समय है, जिसमें प्रतिपदा तिथि मान्य हो। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापना शुभ फलदायी होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापित करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16, अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48। नवरात्रि में घट स्थापना क्यों की जाती है? घट स्थापना नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर होती है। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है। इसे गलत समय पर करने से देवी शक्ति का प्रकोप हो सकता है। घट स्थापना अर्थात नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तित्व का घट अर्थात कलश में आह्वान कर उसे सक्रिय करना। शक्ति तत्व के कारण वास्तु में उपस्थित कष्टदायक तरंगे नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।